कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन के चलते मजदूरों और कामगारों के दिलों में खौफ पैदा हो गया था। यही वजह रही कि वे अपने गांव की ओर पलायन कर चुके हैं। परिणाम स्वरूप अब सोलन में मजदूरों की कमी खलने लगी है, जिसके चलते व्यवसायियों को माल की ढुलाई में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सोलन में ढुलाई का कार्य ज्यादातर कश्मीरी मजदूर किया करते थे, लेकिन कश्मीरी लेबर यहाँ से वापिस जा चुकी है। कुछ चंद लोग ही यहाँ पर बचे हुए हैं, जिसकी वजह से अब व्यवसाय प्रभावित होने लगा है। व्यापारियों ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि 80% कश्मीरी लेबर वापस हो चुकी है। जो 20% लेबर यहाँ पे बची है, वह भी अनजाने खौफ के कारण वापस जाने को तैयार है, जिसकी वजह से सोलन का व्यवसाय व्यापार नहीं कर पा रहा है। उन्होंने कहा कि जो लेबर यहाँ वर्तमान में मौजूद है, उनका मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है, अन्यथा वह भी यहाँ से जाने को तैयार है। अगर ये लोग भी यहाँ से चले जाते हैं तो व्यवसाय करना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को अगर मजबूत करना है तो जल्द सरकार को बसें चलानी होगी, क्योंकि बसें चलने से सिरमौर की लेबर सोलन आ सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार को चाहिए कि कश्मीरी खानों के मन में खौफ निकालें, ताकि जो पलायन कर चुके मजदूर हैं वे भी यहाँ पे वापिस आ जाएं। अब जैसे धीरे धीरे गाड़ी लाइन पे आ रही है, काम धंधे द्वार से शुरू हो रहे हैं, अब दिक्कत ये आ रही है कि अब 80% लेबर जाने से, 80% खान लोग जाने से यहाँ पे मजदूरी के लिए लोग नहीं मिल रहे, खान लोग नहीं मिल रहे। जितनी ट्रांसपोर्ट है उनके पास हम ऑर्डर करते हैं, वो बोलते हैं जी हमारे पास लेबर ही नहीं है, कैसे माल भेजे आपको। तो पूरी की पूरी गाड़ी जो है, पूरी की पूरी पटरी वो डिस्टर्ब हो चुकी है इस समय। तो हम सरकार से सिर्फ यही निवेदन करना चाहेंगे कि जो हमारे जो भी लोग अभी इस समय बचे हैं मजदूर खान, जो 20% बचे हैं, उनको एक तरह का उनके अंदर एक विश्वास दिलाया जाए कि आप यहीं पर रहो आप, क्योंकि ये 20% लोग हैं, ये भी वापिस जाना चाहते हैं। इनके पास काम है, बहुत काम है, बट अब ये भी वापिस जाना चाहते हैं। बोलते नहीं जी हमारे सभी लोग चले गए तो हम भी जब वापिस जाएंगे। तो एक तो इनको अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करा जाए सरकार की तरफ से कि आप लोगों को यहीं पे रहना, रहने में आपको हिमाचल में रहने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और आपको काम भी मिलेगा और निरंतर काम मिलता रहेगा। दूसरी बात, सरकार से हम ये चाहते हैं कि अब ऐसी व्यवस्था बनाई जाए ताकि यहाँ पे काम और क्रिएट हो। जैसे अभी ट्रांसपोर्टेशन खोलने की बात है, क्योंकि बसें नहीं चलने से भी एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, बिजनेस में भी दिक्कत आ रही है, माल भेजने उतारने में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि हिमाचल में ज़्यादातर काम बसों के थ्रू ही लोगों तक पहुंचता है। तो इसलिए सरकार बसों चलाने का भी निर्णय ले, बाकी और जो भी निर्णय ले सकती है जिससे बिजनेस दोबारा बढ़े, कि कॉन्फिडेंस बढ़े, और बाकी ये लोग जो मजदूर लोग 20% बचे हैं, ये अपने बाकी साथियों को भी बोलें कि वापिस आए सोलन में, हिमाचल में, ताकि द्वारा इनको रोजगार भी मिले, हिमाचल में रोजगार भी मिले, बिजनेस भी बढ़े और रोजगार भी मिले सबको। ऐसा है कि अब जैसे जैसे लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा खुलने लगा है, तो जो मजदूर यहाँ पर हुआ करते थे, जैसे खान वगैरह थे, वो काफ़ी लोग यहाँ से चले गए हैं। तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि लॉकडाउन कब खुलेगा, अनिश्चितता का वातावरण बना हुआ था। लेकिन अब जैसे जैसे लॉकडाउन खुल रहा है, तो सरकार को ये चाहिए कि प्रोत्साहन दे, जो लोग या लेबर क्लास आना चाहते हैं वो आए, और उनको सरकार की तरफ से कुछ मदद दी जाए ताकि वो यहाँ रहें और उन काम सुचारू रूप से चल सके। बाकी क्या समस्याएं आपको देखने में मिली इन दिनों? इन दिनों एक तो सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पर यह है कि जैसे जैसे ये लॉकडाउन थोड़ा थोड़ा खुल रहा है, तो मजदूरों की समस्या है, माल को ले जाना लाना बड़ा मुश्किल महसूस हो रहा है। और दूसरा, जब तक ये बसें नहीं खुलती, जब तक लोकल रूट नहीं खुलता, बसें नहीं आती जाती, उसकी वजह से भी जो है वो लोगों को काफ़ी परेशानी है। और ख़ास तौर पे जो लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, बाहर से आना चाहते हैं या अगर शहर में आना चाहते हैं, तो उनको आने जाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम है। तो एक तो थ्री व्हीलर भी यहाँ पर कुछ उसको हिदायतों के साथ उनको चलाना चाहिए, ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। कारें ये बहुत गलत रोल अदा कर रही है, इसमें सारे मजदूरों को भेज देंगे तो उधर सरकार कहती है अर्थव्यवस्था डाउन होती जा रही है डे बाई डे, कैसे होगा बताएं? लोग परेशान हैं, कारोबार नहीं है लोगों के पास, इंडस्ट्रीज बंद पड़ी है, इंडस्ट्री कैसे चलाएगी सरकार? सरकारें, राज्य सरकारें अपने जो टेंशन ख़त्म करने के लिए मजदूरों को भेज रही है, वो बीमारी चारों तरफ फैला रही है सरकारें वैसे इनडायरेक्ट तौर पर। और ऊपर से ये मजदूर लोग जो वहाँ जा रहे हैं, वो वहाँ क्या खाएंगे? इतनी दूर, हजारों किलोमीटर दूर वो अपना नौकरी करने आते हैं, वो गरीब हैं इसलिए आते हैं। सरकारें यहाँ रखें, उनका रहने का इंतजाम करें, उनका खाने का इंतजाम करें। सरकार अपनी टेंशन ख़त्म कर रही है, मगर नई टेंशन खड़ी जो हो रही है वो अर्थव्यवस्था की है। इंडस्ट्रीज फेल हो रही है, इंडस्ट्रीज बंद पड़ी है हजारों, कैसे होगा? आपको क्या समस्या है इसमें देखने में आ रही है? और धरातल में अगर हम बात करें, क्या इसमें व्यापार डे बाई डे सफर कर रहा है,
पहले कोरोना की वजह से सफर कर रहा है, अब वो लेबर की वजह से सफर करेगा। सरकारें रोज ट्रेन भर भर के जा रही है, लोग कैसे इंतजाम करेंगे लेबर का? व्यापारी नहीं चलेगा, किसी का भी, इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी।